नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी बोले तो संभल कर बोले। कहीं आपने उल्टा या सीधा बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो और भी बातों को जांच कर बोलना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। और ठीक वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी ने फ्रांस और भारत के साथ हुए राफेल डील पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया और कहा कि चौकीदार चोर है। फिर क्या था, बीजेपी को कांग्रेस की ये बात बुरी लगी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पहले उन्हें राहत दी और कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए बीजेपी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी, जिसका फैसला गुरुवार को आया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी को भविष्य में संभल कर बोलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें, जिससे कोई गलती न हो। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस बात को लेकर बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन कोर्ट के सवाल करने पर राहुल गांधी ने खेद व्यक्त कर दिया था। इस बात की जानकारी राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दी थी, लेकिन लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद आए फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।